इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। आपने क्या कहा था, 12 अप्रैल से कबीर साहब और जारा साहिबा के बीच में दुश्मनों की तरह नफरत है। कहा था बेशक, और उनके रिश्तों की दरार से हम फायदा उठाएंगे, लेकिन मामला तो कुछ और ही है। क्या हुआ? बिलासा नाम का एक गांव है और वहां वसीम साहब गरीब और मिस्कीन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते हैं। इन बच्चों को जो इनके स्कूल में पढ़ने वाले, उनको हर महीने एक रकम दी जाएगी, वो भी वसीम मियां के जाती फंड से। तालियां। माशाल्लाह, हमें पता था ऐसा ही होगा। कभी जारा आवाम के सामने एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे और ना ही इस नौकरी को कबूल करेंगे, और यही कराना हमारा मकसद था। हम कबीर और जारा को एक साथ नहीं रहने दे सकते, कभी नहीं। कबीर और जारा के बीच में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, मगर आपका काम तो हो गया ना। आपको पैसा इकट्ठा करना था सो हो गया। हाँ, लेकिन बाकी सब छोड़िए, बस काम पे ध्यान रखिए। जारा कबीर के बीच में क्या है, दरार है नहीं है, इसे हम छोड़ते हैं। शहबाज साहब, मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा मैं इतना हैरान क्यों। कबीर जारा एक नहीं है ना, अब देखिएगा। अरे, दोनों इशारों में बातें समझ जाते हैं, एक ही सुर में बात करते हैं। ऐसी जुगलबंदी तो मैंने आज तक नहीं देखी शहबाज साहब। सागर से गहरा प्यार है दोनों में शहबाज साहब, और आप कह रहे हैं कि दोनों एक नहीं है। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हम जितना इस जिद्दी लड़की को कबीर से दूर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही करीब आ जाती है। लगता है रुखसती वाले दिन हुई बेइज्जती काजी साहब और उनकी बेटी के लिए काफी नहीं थे। उन्हें और जलील करना पड़ेगा, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। शहबाज अहमद बोल रहे हैं भाई, अपने अखबार के एडिटर से कहिएगा कि कल के फ्रंट पेज के लिए हमारे पास एक बेहतरीन खबर है उनके लिए। जल्द से जल्द बात करें हमारे साथ। शुक्रिया।